नमस्ते नमस्ते। आज मेरे साथ इसुमी जी हैं। इसुमी जी का मेरे जीवन में बड़ा गहरा योगदान है। ये मेरी दोस्त भी हैं, गुरु भी हैं, मेरी मार्गदर्शिका भी हैं। आज मैं इनसे, इन्होंने मुझे मैसेज दिया है कि इंडिया के लिए भी स्पिरिचुअल मैसेज जाना चाहिए। ये मेरी स्पिरिचुअल गाइडेंस हैं, गाइड हैं। आज ये मेरे साथ हैं। मैं इनसे कुछ आप लोगों के लिए प्रश्न पूछूंगा ताकि आप इनके बारे में जान सकें। इसुमी, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियन पीपल नाउ? Dass wir wissen, dass in uns selbst Gott, Göttlichkeit ist. कि हम लोग जाने कि हम खुद ही भगवान हैं, हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के रूप में हैं। Und in neuer Zeit können wir so, dass wir uns Menschen als gleichwertige Wesen anerkennen. और इस नए समय में हम सभी लोगों को बराबर, सभी इंसानों को बराबर रूप में जान सके। Können wir gegenseitig Information übertragen? हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है इस युग में बड़ी तेजी से स्प्रेड कर सकते हैं। Und so in höheren Ebene, höher Dimension haben. और अपनी एनर्जी को हायर आयामों में ले जा सकते हैं। अब यहाँ पे नया प्रश्न मैं इनसे पूछूंगा, हायर डायमेंशंस, व्हाट आर हायर डायमेंशंस? दिस इज दी अंदर दिखते, ये एक अलग एनर्जी की फॉर्म है। वी सिंड शोन कोर्ट्स डेफोर, हम उनके नए युग की शुरुआत के बिल्कुल पास में हैं। इन फाइनस्ट्रिके feinstoffliche Ebene sind wir schon über die kritische Masse hinaus. सूक्ष्म एनर्जी की फॉर्म में हम लोगों ने वो स्तर प्राप्त कर लिया है। Und in diese neue Ebene oder höhere Ebene erleben wir unsere Göttlichkeit in uns selbst, in auch anderen Menschen. और इस नए युग में हम अपने अंदर ईश्वर को पहचान सकेंगे, अपने खुद के अंदर और सभी प्राणी मात्र में ईश्वर को, ईश्वर की अनुभूति को महसूस कर सकेंगे। Es ist nicht mehr so dicht wie jetzt. ये अभी की तरह इतना स्थूल नहीं होगा, नया युग होगा वो सूक्ष्म होगा। Was wir denken, wird sehr schnell manifestiert. हम जो सोचेंगे, जो भी विचार लाएंगे वो इमीडिएटली प्रकट हो जाएगा। Und unsere Potenzial ist lebendig. Also wir erleben uns selbst. हम लोग अपने आप के, तब हम असली अनुभव कर पाएंगे कि हमारे जीवन क्या है, हमारा जो पोटेंशियल है वो पूरी तरीके से अभिव्यक्त हो पाएगा। Das heißt unsere Göttlichkeit. इसका मतलब है कि हमारे ईश्वर, जो हमारे अंदर ईश्वरी अंश है, उसके पूर्ण रूप से प्रकटीकरण होना। Es ist so, bis jetzt war jemand über uns gewesen oder Gurus, Meister. हमारी अभी तक की संरचना में हायरार्की सिस्टम था, कोई हमसे ऊपर भगवान है या गुरु है या और हायरार्की है। Und jetzt ist es so, dass wir als gleichwertige Wesen anerkennen. और अब हम इसको, सभी प्राणी बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, इसको इसका अनुभव करेंगे। Erschaffen wir die höhere Dimension als unsere Realität zu leben. अब हम इसको बड़ी जल्दी प्राप्त कर लेंगे, इस स्तर को, हायर आयाम को अनुभव करने के लिए, हायर आयामों को हम खुद अनुभव करेंगे बहुत जल्दी। Das heißt, wie in alten Zeiten unsere Meister, unsere Gurus immer uns gesagt haben, पुराने समय में हमारे गुरु, गुने और लोगों ने हमें ये मार्ग दिखाया था। Du erkennst
dass du das Ich Bin bist? कि तुमको ये बताया था कि आप ये हो. Und so erkennst du auch ein andere Menschen, du selbst. इसलिए आप अपने आप को एक दूसरे आदमी के रूप में पहचान आपने बना ली है. Das ist Einheit. ये एकता. Das ist Göttlichkeit. यही सब में एक ही ईश्वर का अंश है. यही डिविनिटी है. यही दिव्यता है. Ich weiß, dass viele von euch. मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अभी etwas Gefühl haben, महसूस करते हैं, dass nicht mehr wie bis jetzt funktioniert. अभी तक जैसा चल रहा था ये आगे नहीं चल पाएगा. Als ob passe schon voll ist. ऐसो? Passe. Okay, क्योंकि जो कप है या गिलास है वो पानी से पूरी तरह लबालब भरा हुआ है. Aber wissen nicht wie weitergeht, wohin. लेकिन इसके आगे का रास्ता समझ में नहीं आ रहा. आगे का रास्ता क्लियर नहीं है. Ich kann jetzt frohe Botschaft sagen. मैं आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी न्यूज देना चाहती हूँ. Wir sind schon drüber. हम जो क्रिटिकल लेवल है उसके ऊपर जा चुके हैं. Und wir können jetzt mit Freude Erwartung haben. बड़े खुशी से और उत्साह से हम नए युग का इंतजार कर सकते हैं. Dass die Paradies wirklich eine wahre Realität von uns werden. स्वर्ग जिसमें सिर्फ एक कल्पना नहीं, स्वर्ग एक रियलिटी है. पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण होने जा रहा है. Stellen wir uns vor, es gibt in unserer Welt keine Krankenhaus mehr. आप कल्पना करें कि इस पृथ्वी पर कहीं अस्पतालों की जरूरत नहीं है. कोई बीमार नहीं है. Keine Versicherung. इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है. Alle Menschen in reine Qualität der göttlichen Liebe leben. सभी प्राणी अनकंडीशनल लव और ईश्वरी दिव्य प्रेम का अनुभव करें. Das die physische Körper mit uns eins ist. और जो हमारा फिजिकल बॉडी है और हम एक ही. Das heißt, unser Bewusstsein hat direkte Zugang. इसका इस बात का दूसरा अर्थ है कि हमारी चेतना हमारे फिजिकल शरीर से डायरेक्ट एक है. Und unsere DNA ist multidimensional. और हमारा DNA multidimensional है. Es ist schon multidimensional. ये पूर्ण रूप से multidimensional अभी भी है. Aber wir erleben mit unserem Bewusstsein. लेकिन हम इसको अपनी चेतना के स्तर के हिसाब से सिर्फ अनुभव कर सकते हैं. Wir erleben die Ekstase. हम लोग आनंद का अनुभव कर सकते हैं. Glückseligkeit. विस्तिक आनंद जिसका वर्णन है साहित्य में, आध्यात्मिकता में. In unserem Normalzustand des Lebens. बिल्कुल नॉर्मल जीवन जीते हुए. Und das wäre kommen. और बड़ी जल्दी ये संभव है. Es gibt keinen anderen Weg. कोई दूसरी संभावना पॉसिबल ही नहीं है. सिर्फ एक ही संभावना पॉसिबल है, वो यही रियलिटी है. Keiner von uns können zurück. कोई अब हम लोग चाहें भी अब ये प्रोसेस वापस नहीं हो सकता क्योंकि हमने क्रिटिकल लेवल अचीव कर चुके हैं. Also, wir nehmen Hände miteinander. हम सब लोग एक साथ जुड़कर. Und betreten wir in gelobten Land. हम एक ऐसे नए युग की तरफ अग्रसर होंगे. नमस्ते. नमस्ते. But now one, इसकी पहले विस्तीते फ्रागे diese Land wie Indien, die in Wiedergeburt geglaubt hat und immer noch die meisten Leute glauben in Indien und Buddhismus, dieser Begriff für Multidimensionalität ist vor ihm sehr fremd. Kannst du darüber etwas sagen? मैंने इनसे पूछा है मल्टीडाइमेंशनलिटी के बारे में क्योंकि अभी भारत में ये विचारधारा के बारे में खैर कम लोग जानते हों. नाउ वो आपको बताएंगे. Also Wiedergeburt ist
Es ist, gibt es natürlich. Also Punarjanam hota hai, ye abhi tak chal raha hai aur ye sachchai hai. Die Fakt ist, dass die, jede Wiedergeburt oder jedes Leben, jede Inkarnation. Lekin ek dusri sachchai ye bhi hai ki har jeevan, har ek jeevan gleichzeitig existieren. Ek hi samay mein abil ek hi samay mein होता है. Wenn wir unsere Bewusstsein heben, अगर हम अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठा सकें, über die Zeit und Raum, जो समय और आकाश से परे हो, dann erkennen wir, dass alle Lebensabschnitte gleichzeitig existieren. तब हम ये पूर्ण रूप से अनुभव कर सकते हैं कि जीवन के सभी फेस एक साथ घटित होते हैं एक ही समय में. Und alle Potenzial, je wir gelebt haben, je wir leben würde, je wir erfahren würde, alle Potenzial existieren gleichzeitig. Und jo bhi sambhavnaye hain, jo bhi anubhav hain, jo bhavishya mein anubhav honge, jo bhavishya bhutkal mein anubhav kiye gaye hain, jo hum anubhav karne ki sari sambhavnaye hain, wo sirf ek hi samay mein ek sath ghatit ho sakti hoti hain. Und wir sind im Stand, और हम उस Stände, हम उस स्तर पे पहुंच गए zu wählen. हम उस स्तर पर पहुंचने वाले हैं जिसमें हम खुद चुनाव कर सकते हैं कि हम कौन सा एक्सपीरियंस अब करना चाहते हैं. zu entscheiden. डायरेक्ट डिसीजन लेने की हमारे हाथ में शक्ति आने वाली है. alles existieren gleichzeitig. सभी कुछ एक साथ घटित होता है. Und wenn wir von Dualität uns gelöst haben, और जब हम ये द्वैतवाद से अपने आप को मुक्त कर सकेंगे, wenn wir von Gut und Böse gereinigt sind, जब हम सही गलत अच्छा बुरा इस द्वैतवाद से अपने आप को मुक्त कर देख सकेंगे, dann erlebst du, तब आप अनुभव करेंगे, dass du alles bist. कि आप सब में एक ही हो, आप ही सब में हो, सब आप में है, सब कुछ सारा ब्रह्मांड एक ही है. Du bist Baum. आप ही पेड़ हो. Du bist Wind. आप ही हवा हो. Du bist Licht. आप ही प्रकाश हो. Du bist die Tiere. आप ही सारे जानवर प्राणी मात्र हो. Das ist die Wahrheit, so wie immer unsere Meister uns gesagt haben. ये असली परम सत्य यही है जैसा हमें सभी महर्षियों ने हमेशा बताया, यही परम सत्य है. लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर पाते. इसका अनुभव डुअलिटी के पार जाने के बाद ही हो सकता है. Jetzt können wir jeder von uns daraus ziehen. Jetzt jeder von uns daraus rauskommen. Resultat erkennen. Ja, अब अधिकांश लोग, अब सभी लोग इसके इस रिजल्ट को अनुभव कर सकते हैं. Dass die Karma auch ein System ist. ये पुरानी एक विचारधारा कर्म की, ये भी एक पुराना, ये एक सिस्टम है. Die uns bis jetzt viel geholfen haben. जिसने मानव चेतना के विकास के लिए अभी तक बहुत गहरा योगदान दिया है. Und in neue Zeiten, neue Dimension, neue Welt. और नए इस नए समय में, नए युग की शुरुआत में, können wir genauso von Wirkung zu Ursache wirken. अभी तक की अवधारणा में एक कारण था, उस कारण का एक परिणाम था. अगर हम मल्टी डायमेंशनल अवेयर हो जाते हैं तो हम परिणाम के आधार पर कारण को भी बदल सकते हैं. Wir sind frei. हम पूर्णता मुक्त हैं. Und diese Freiheit, और ये जो पूर्णता मुक्ति है, werden wir jeder von uns erleben. हर एक हम में से इसका जल्दी अनुभव करेगा. Wir können nicht mehr zurück. सुरुक वापसी का कोई चांस नहीं है, सिर्फ एक ही तरफ. Das ist unser Projekt. ये पूरी मानव जाति का, ब्रह्मांड का एक सामूहिक प्रोजेक्ट है. Von uns alle. हम सब
के साथ हम सब के लिए schon gemacht. पूरी तरह से प्रोग्रेस में है. Und er lebt in astral Ebene. और सूक्ष्म स्तर पर इसका बहुत सारे लोग अनुभव कर भी रहे हैं. And kannst du erzählen, wie deine Methode können die Leute helfen, ihre Bewusstsein zu erweitern und ihre Potenzial richtig auszunutzen? मैंने इसे पूछा है कि चेतना के विकास को किस तरह और तेज किया जा सकता है जिसमें हम अपने पोटेंशियल को पूरी तरीके से यूज कर सकें. So Methode ist, wir benutzen unser Bewusstseinssegment. हम इसमें अपने चेतना के स्तर को यूज करते हैं. Und zum Beispiel in jedem von uns ist ein ganzes Universum. एक उदाहरण के लिए हम हर एक के अंदर प्रत्येक के अंदर पूरा ब्रह्मांड है. Stellen wir uns vor, हम अगर इसको ध्यान से देखें, das ganze Universum ist voll mit lebendigen Intelligenz, lebendigen Teilchen. Ja. पूरा ब्रह्मांड जीवंत और प्रेम से भरा हुआ है. Und es ist schockgefrorener Zustand. Schockgefrorener Zustand. लेकin ye dar ke parinam se jaise freeze ho gaya hai. Einige sind aufgetaucht, so wie Praveen, ich. Kuch log jaag rahe hain, jaise Praveen, mera naam diya gaya hai, jabki main abhi tak jaaga hua nahi manta hu, aur ye apne aap ko inhone bulaya. Aber im Universum sind noch größte Teile, viele Teile, schockgefrorenen Zustand. लेकिन ब्रह्मांड में या स्पेशली पृथ्वी में अभी भी बहुत सारे लोग इस शॉक से फ्रीज होने के की स्थिति में हैं. Und das können wir nach und nach auftauen. ये सभी लोग धीरे धीरे जागृत होंगे. In lebendigen Zustand erleben. जीवंत अवस्था में आएंगे. Das ist nicht außerhalb von uns. ये हम लोगों के बहुत आसानी से. Das ganze Universum ist in uns selbst. पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर खुद ही है. Ja, und die Methode ist so Steuerung der Realität. और जो मेथड है इनको मैं अपनी रियलिटी को खुद अपने कंट्रोल में लेने का बारे में बताती हूँ. Da benutzen wir geometrische Figuren. इसके लिए हम डिवाइन कॉस्मिक फिगर और फॉर्म्स को यूज करते हैं. Oder andere Methode. और अदर कुछ अदर टेक्निक भी हैं. Zeitlinie. Timeline. Aber es ist immer erleben wir dadurch, dass Realität steuerbar ist. उसके थ्रू हम लोग बड़े आराम से ये अनुभव करते हैं कि हमारी जो रियलिटी है वो किसी बाय चांस नहीं है. वो हमारे हम उसको अपने आप से कंट्रोल में ले सकते हैं पूरी तरीके से. Egal wie jetzt deine Welt aussieht. आपका इस समय आपकी स्थिति कैसी भी हो, इससे प्रभाव नहीं पड़ता. कैसे भी आपने पुराने कर्म किए, उससे प्रभाव नहीं पड़ता. So stellen wir vor, die so Wassertropfen unten hier die Welle. हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि नीचे पानी की एक बूंद या पानी का प्रभाव से नीचे पड़े हुए पानी में लहरें उत्पन्न होती हैं. Und außen der Welle ist jetzt Realität. और इन लहरों के पार जो है वो अभी का समय रियलिटी है. Und hier die Punkt ist die Zukunft Tropfen. और जो पॉइंट है वो इस समय का है. Egal wie das jetzt aussieht. इस समय जैसा भी प्रतीत होता हो. Du kannst immer eine beliebige schöne Zukunft hier reinbringen, erschaffen. आप इस मोमेंट में अपना कोई भी भविष्य अपनी इच्छा अनुसार क्रिएट कर सकते हैं. Und es wird früher oder später in unsere Realität. और ये निकट भविष्य में या थोड़े समय के बाद अपनी चेतना के विकास के स्तर पर प्रकट होगा. Es gibt unzählige Zahl von der Methode, Technologie. टेक्नोलॉजी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मेथड हैं. Aber es ist immer jede Technologie bringt
jede Technologie, wenn wir anwenden, लेकिन हर मेथड जब भी हम उसको यूज करते हैं, werden alle Menschen immer einen Schritt glücklicher Richtung. सभी लोग पूरे ब्रह्मांड में सारे प्राणी मात्र एक कदम चेतना के विकास की ओर बढ़ाते हैं, खुशी की ओर बढ़ाते हैं. Und wenn wir die Technologie anwenden, और जब हम इन मेथड्स को यूज करते हैं, erfahren wir, अनुभव करते हैं, dass die Realität wirklich immer steuerbar ist. That हमारा जो जीवन है और हमारी जो रियलिटी है वो पूरी तरीके से हमारे हाथ में है, किसी भी बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होती. Das unsere Bewusstsein die Realität erschafft. जो हमारी जो चेतना है वो हमारी रियलिटी को क्रिएट करती है. हम हिंदुस्तान में, इंडिया में हमेशा कहते आए हैं कि जो पूरा संसार है ये चेतना का खेल है, इन्हीं को इन्होंने अपने शब्दों में कहा है. Und diese Freude, die erschaffen. और ये खुशी, ये विश्वास की चीजें हमारे नियंत्रण में है. Das ist sehr schön. ये बहुत मानव जाति के लिए बड़ा स्तर है. Du bist Mitschöpfer. कि आप ईश्वर के क्रिएटर के साथ खेलते हो, क्रिएटर के साथ हो, आप ही क्रिएटर हो, आप भी क्रिएटर हो. Für die Harmonie der Welt. पूरे संसार को हारमोनी में लाने के लिए. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage vielleicht. Die Länder wie Indien, wo so viele Armut gibt, jede Tag vergewaltigt, Politiker sind nichts gut, die Leute haben Hoffnung verloren und sie sehen Negativität. Daher diese Glauben, dass die neue schöne Zeit, sobald sie erreichen können, ist ihm nichts glaubwürdig erscheint. Kannst du etwas darüber sagen? Meine Inse Pucha hai. कि भारत में जहाँ पे अपराध की दर इतनी ज्यादा है, गरीबी है, जातिवाद का सिस्टम है, बलात्कार की घटनाएं हमेशा होती हैं, राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाते हैं, ज्यादातर लोगों ने अपनी आशाएं खो दी हैं, इस गंभीर समय में हम ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम एक नए अच्छे युग की ओर जा रहे हैं? Also, ich sage eine ganz konkrete Sache. मैं बहुत डायरेक्ट निश्चित रूप से आपको बताना चाहती हूँ. Jeder, der diese Botschaft gesehen haben, जिन भी लोगों ने ये इस मैसेज को रिसीव किया है, अनेकों लोगों ने किया है मेरे अलावा भी, werden next inside, अब आने वाले समय में जल्दी, eine kleine Freude erfahren, एक हल्की खुशी या एक खुशी का अनुभव करेंगे. Passt ihr gut auf, अपने आप को ध्यान से देखो, nicht übersehen, इसको ऐसा ना हो कि आप इसको ऊपर देख ना पाए. Und diese kleine Freude merkt ihr in eurem Herz. और जो इस खुशी है इसको अपने हार्ट में महसूस करें. Und das wird wachsen. Und das macht ihn wachsen. Und das ये grow करेगा. Und ihr werdet selber wissen, dass ja, das wahr ist. और आप लोग ये खुद अनुभव करेंगे कि ये सच्चाई है, ये किसी, ये मेरे शब्दों पे आधारित नहीं है. आप इसको खुद, इस खुशी की लहर के जो भी लोग रेजोनेंस में हैं वो इसको खुद महसूस करेंगे. Und da gibt's noch ein Tipp. इसके लिए एक और एक टिप है आप लोगों के लिए. Und Bewusstsein nicht zum Dualität fixieren, das heißt für eine Debatte, wer gut, wer ist schlecht, wer ist recht, wer ist unrecht und diesen hin und her, diesen Schwanken. Genau, nicht mitschwingen. चेतना के विकास के लिए जो एक टिप है जो आप लोगों के लिए बहुत कारगर साबित हो सकती है, इस किसी भी तरह के डिबेट में, क्या सही है क्या गलत है, डिबेट का हिस्सा ना बने, डिबेट में पार्ट ना ले. ये द्वैतवाद सिर्फ कुछ समय के लिए है, इससे अलग हटे. Versuche nicht gleich Antwort zu haben wollen. कोशिश कि इस समस्या का हल क्या है, इसकी, इसको छोड़ दें. Sag selbst, mag sein, mag nicht sein. अपने आप से कहें, हो सकता है सही, हो सकता है सही ना भी हो. Ja, und so stille, möglichst stille sein. और इस तरह आप जो है एक शांति के स्तर को, शांति भी गलत शब्द है, मौन को, आंतरिक मौन को आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप इस द्वैत से परे हैं, झगड़े से परे हैं. So, ich meine innere Stille.
इनका कहने का मतलब है कि आंतरिक मौन Mögericht sag nicht ja, nein. जब भी पॉसिबल हो या हाँ और नहीं कहने से बचें, ये सही है ये गलत है ये कहने से बचें. Nicht weiß und schwarz. ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर बनाने से बचें कि यही सही है यही गलत है. Bleiben wir irgendwie vielleicht? संभव हो तो हम रहें हमेशा. Ja, und dieser Zeit erlebt ihr kleine Wunder? तब इस क्षण में आप एक छोटे आश्चर्य. Und fokussiere euer Bewusstsein, das nicht zu versäumen. और अपनी चेतना को विकास में लग जाएं. Das kleine, kleine Wunder. ये छोटे छोटे चमत्कार. Und das ist die, wenn man das gemerkt hat. और जब आप इन चमत्कारों को महसूस करना शुरू हो जाते हैं. Wird euer Funke in Herz angezündet. तब आपके हृदय की जो चिंगारी है वो जल चुकी है. Und dann kann nicht mehr stoppen. तब इसको रोकना आप लोगों के लिए किसी के लिए भी संभव नहीं है. तब आप इस क्रांति का इस नए युग की शुरुआत का हिस्सा है. Würdest du noch etwas sagen, für dich, was du denkst, ist im Moment für ihn wichtig wäre? Ja. मैंने इनसे पूछा है कि आप अपने इंडियन साथियों के लिए इस समय कुछ और कहना चाहती हैं, ये शायद कुछ कहना चाहती हैं. इसे फिर राइन हर्ट. भारत में मैं बहुत सारे पवित्र हृदयों को देखती हूँ. Und so Anbindung mit höheres Bewusstsein. जो ऊपरी हायर चेतना से जुड़े हुए हैं. Jetzt ist möglich, dass ihr selbst vertraut. अब ये आप लोग के लिए आसान है अपने खुद के ऊपर पूरी तरह विश्वास करना, ट्रस्ट करना. Du bist diejenige, die du lange gesucht hast. आप ही हो जिसको आपने इतने सालों से जिसकी आप खोज में लगे हो, वो खुद आप ही हो. और कोई ईश्वर बाहर नहीं है. Und wenn du dich gefunden hast, जब आपने इस सत्य को जान लिया, wirst nie enttäuscht sein. अब कभी भी दुखी और नहीं होंगे, कभी भी दुखी नहीं होंगे. सत्य को जानना ही सब परम सत्य. हमारे भारत में हमेशा ही कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि यशिवोहम. इसी को इन्होंने अपने शब्दों में कहा है, इसी की खोज करनी है, इसी को जानना है. थैंक यू.